पहला क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान राज्य में आना सागर झील के किनारे पे दौलत बाग किसने लगवाया था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा राजस्थान राज्य में आना सागर झील के किनारे पे दौलत बाग किसने लगवाया था आप जानते हैं आना सागर झील जो कि अजमेर के अंदर है तो यहाँ पे दौलत बाग जो कि जहांगीर ने लगाया था ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं राजस्थान राज्य की सबसे पवित्र झील किस झील को माना गया राजस्थान राज्य की सबसे पवित्र झील किस झील को माना गया तो पुष्कर झील को माना गया ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा पुष्कर झील जो कि अजमेर ज़िले के अंदर है क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं राजस्थान में गन्ने का उत्पादन राज्य के किस ज़िले में सर्वाधिक होता है राजस्थान के अंदर गन्ने का जो उत्पादन है वो राज्य के किस जिले में सर्वाधिक होता है आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा और वीडियो के अंत में ईमानदारी से बताइएगा कि पच्चीस में से आप कितने सही हुए इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है जो कि राजस्थान में बूंदी जिले में होता है ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं राजस्थान में उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान राज्य के किस नगर के अंदर है उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान राज्य के किस नगर के अंदर है तो ये है कोटा के अंदर ऑप्शन ए इसका सही रहेगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम में पूछा गया आप लोग याद कीजिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं राजस्थान राज्य में विश्व का दुर्बल पक्षी यानी साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है विश्व का सबसे दुर्लभ पक्षी जो कि साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण में देखने को मिलता है तो ये मिलता है घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं राजस्थान राज्य में कितने प्रति जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन से जीविका जीविकापार्जन करती है यानी कितने प्रतिशत जनसंख्या जो कि राजस्थान के अंदर कृषि और पशुपालन पर निर्भर है बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम में रिपीट हो गया आप लोग याद कीजिएगा आगे भी पूछा जा सकता है तो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑप्शन ए इसका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं निम्न से राजस्थान राज्य में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान राज्य में विश्व की सबसे बड़ी दूसरी कृत्रिम झील जो कि जैसमन झील है ऑप्शन ए इसका सही रहेगा एग्जाम में यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं राजस्थान में झूमिंग प्रणाली द्वारा कृषि राज्य के किस ज़िले में की जाती है राजस्थान में झूमिंग प्रणाली द्वारा जो कृषि है वो राज्य के किन किन ज़िलों में की जाती है तो ये डूंगरपुर में की जाती है उदयपुर में की जाती है यानी ए और सी दोनों ऑप्शन होंगे ऑप्शन उप्संग डी हमारा उत्तर रहेगा बीकानेर में नहीं की जाती क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं निम्न में से राजस्थान राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग पश्चिम में आता है राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग जो कि पश्चिम भाग में आता है तो यहां पे देखा जाए तो सिक्सटी वन प्रतिशत इसका सही रहेगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें राजस्थान राज्य में सेवन घास का किस जिले में बहुतायत रूप से उगती है देखिए ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हो गए हैं पूछा जाएगा कि सेवन घास क्या होती है या फिर सेवन घास जो है किस जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है तो जैसलमेर में ऑप्शन सी इसका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह की बात करें निम्न में से राजस्थान राज्य के सर्वाधिक एवं न्यूनतम औस्त वार्षिक वर्षा वाले जिले कौन से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में आती है और सबसे कम बारिश किस जिले में आती है तो सबसे कम आती है जैसलमेर में और सबसे ज़्यादा अगर जिले की बात की जाए तो झालावाड़ है और एग्जैक्ट स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू तो यहाँ में जिले की बात कर रहे हैं तो झालावाड़ और जैसलमेर ऑप्शन सी इसका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बारह की बात करें राजस्थान राज्य में वनों का क्षेत्रबल राज्य के कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र बल का, का कितना प्रतिशत है राजस्थान के कुल क्षेत्र बल का वनों का कितना प्रतिशत है तो नाइन पॉइंट फोर नाइन प्रतिशत ऑप्शन बी इसका सही रहेगा ये प्रश्न में एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर तेरह की बात करें राजस्थान राज्य में राणा प्रताप सागर जो कि किस जिले के अंदर है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है राणा प्रताप सागर राज्य के किस ज़िले के अंदर है। आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा और साथ ही राजस्थान जी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और पास से बेलाइकन भी नहीं है उसको जरूर दबा लीजिएगा आपको रोजाना राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइव क्लासेस डेली आपको मिलती रहेगी तो राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें भारत के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत अंश है भारत में कुल बाजरे के उत्पादन के मामले में राजस्थान का कितना प्रतिशत अंश है तो 30% यानी राजस्थान में बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें भारत में चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस स्थान पर स्थित है भारत में चंबल नदी पे निर्मित गांधी सागर बांध किस स्थान पे बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे देखिए याद कीजिएगा ये मध्य प्रदेश के अंदर है जो कि मंदसौर के अंदर है ऑप्शन सी उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर सोलह की बात करें राजस्थान राज्य में सबसे कम वन चूरू के अंदर है राजस्थान में सबसे कम कहाँ पे वन जो चूरू के अंदर है कितने पॉइंट फोर एट प्रतिशत और सबसे अधिक वन कहाँ पे है कौन से कौन से ज़िले के अंदर है? आप लोग बताइएगा ठीक है सबसे कम चूरू के अंदर सबसे ज़्यादा है उदयपुर और सिरोही के अंदर ऑप्शन डी इसका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सत्रह की बात करें राजस्थान राज्य के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है बहुत ही अच्छा प्रश्न है याद कीजिएगा एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है तो यहाँ पे गंगानगर नहीं होगा हनुमानगढ़ इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर अट्ठारह की बात करें राजस्थान राज्य में गेहूं का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है अन्न भंडार किसे कहा जाता है आप लोग बताइएगा ठीक है गेहूं का उत्पादन जो कि किस जिले में सर्वाधिक होता है राजस्थान के अंदर तो कहाँ पे होता है गंगानगर के अंदर और गंगानगर को जो है राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है ऑप्शन डी इसका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस की बात करें राजस्थान राज्य में उच्च पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के में एकमात्र नदी कौन सी है उच्च पश्चिमी प्रदेश के अंदर एकमात्र नदी कौन सी है? तो वो नदी है ऑप्शन बी इसका सही रहेगा क्वेश्चन की बात करें राजस्थान राज्य में बार बार होने वाली सूखे व आकाल का प्रमुख कारण क्या है एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि राजस्थान में बार बार सूखा क्यों पड़ता है क्या रीजन है बार बार अकाल पड़ने का क्या रीजन है राजस्थान के अंदर ठीक है तो यहाँ पे जो बारिश है वो अनियमित रूप से होती है कभी हो जाती है कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी नहीं होती तो अनियमित बारिश इसका जो है रीजन है ऑप्शन सी इसका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर इक्कीस की बात करें राजस्थान राज्य के सैकावटी भूख में कौन सी नदी बहती है राजस्थान के सैकावटी क्षेत्र के अंदर कौन सी नदी बहती है तो कांतली नदी इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी बाईस की बात करें राजस्थान के नगर व संस्थापक का कौन सा जोड़ा गलत है इनमें से राजस्थान के नगर और संस्थापक का कौन सा जोड़ा गलत है तो यहाँ पे देखा जाए तो भरतपुर राजा भरत सिंह जो ये जोड़ा वो गलत है बाकी जयपुर और बीकानेर का सही है ठीक है तो तेईस की बात करें राजस्थान राज्य में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी राजस्थान राज्य में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आंतरिक प्रवाह की इन चारों में से आपको बतानी है ठीक है इन चारों में से आपको उत्तर देना है तो घगर नदी मेरे हिसाब से सही रहेगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर चौबीस की बात करें राजस्थान राज्य का बत्तीसवां ज़िला कौन सा है राजस्थान का बत्तीसवां ज़िला जो है कौन सा है बत्तीसवें नंबर का ज़िला कौन सा बना था राजसमंद प्रतापगढ़ करौली या धौलपुर प्रतापगढ़ नहीं होगा और धौलपुर राजसमंद भी नहीं होगा इसका सही उत्तर रहेगा करौली ऑप्शन सी करौली जो कि बत्तीसवें नंबर का ज़िला है क्वेश्चन नंबर पच्चीस की बात करें राजस्थान राज्य के किस जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है एग्जाम में कई बार रिपीट हो गया देखिए इजी क्वेश्चन है लेकिन हमारा काम है हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को दिखाना ठीक है तो चुरू और बीकानेर वहाँ पे एक भी नदी नहीं बहती है तो चुरू और बीकानेर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा अब बात करते हैं वीडियो के अंत में आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है इसका आप लोग उत्तर ज़रूर दीजिएगा अगर आपको उत्तर नहीं पता तो भी आप लोग कोशिश कीजिएगा क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती राजस्थान में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है राजस्थान के अंदर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो कि किस स्थान पर लगता है इसका उत्तर आप लोग कॉमेंट में बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ में ज़रूर बताइएगा कि पच्चीस में से आपके कितने सही हुए ठीक है और रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं राजस्थान जीके के लाइव क्लास देखना चाहते हैं अपने राजस्थान जीके की एक अच्छी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो पास में बेलाइकन बनी है उसको दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा आपको जल्द ही राजस्थान करंट अफेयर के वीडियो भी मिलने वाले हैं तो आप लोग हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा थैंक यू